लोक आस्था सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा की छठा पूरे देश में देखने को मिल रही है। नहाए खाए के साथ शुरू हुए छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। आज व्रत रखने वाली महिलाएं ढलते हुए सूरज को अर्घ्य दे रही हैं। गोंडा जिले में भी छठ पूजा की धूम देखने को मिल रही है। कटरा घाट, खैरा भवानी घाट सहित तमाम स्थानों पर महिला व श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। वहीं गोंडा के एडिशनल SP व उनका परिवार भी सरयू तट पर छठ पूजा मनाने के लिए पहुंचा। सर बहुत अच्छा लग रहा है, हिंदुओं का बहुत बड़ा भारी त्यौहार है। बिहार और झारखंड के लोग ज्यादा वहाँ मान्यता है, लेकिन अब यहाँ हमारे गोंडा जिले में भी इसका धीरे धीरे महत्व बढ़ रहा है। यहाँ के लोग भी जान रहे हैं। कितना टफ होता है व्रत? ये 3 दिनों का महिलाओं का व्रत है। इसको पुरुष भी करते हैं, लेडीज भी करती है। 3 दिन का ये व्रत है, लेकिन माता रानी हिम्मत देती है, छठ मैया सबको हिम्मत देती है। यहाँ पे सजावट बहुत अच्छी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये गोंडा जिले में अब इसका भी ज्यादा महत्व होने लगा, इसकी वजह से यहाँ की प्रशासन इस पे ध्यान दे रही है। छठ पूजा का त्यौहार अभी तक तो बिहार और झारखंड में जोरों पर मनाया जा रहा, लेकिन अब अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी छठ पूजा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा। आज हम मौजूद हैं सरयू तट पर, करमगंज से सरयू तट है। यहाँ आप जो तस्वीर मेरे पीछे सामने साफ तौर पर देख सकते होंगे, ये छठ पूजा के पर्व पर जो यहाँ के लोग हैं, जो छठ पूजा का व्रत रखती हैं महिलाएं, वो लोग हैं। और जो तस्वीर आप यहाँ की देख रहे हैं, अब देख लीजिए, जो शासन प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं करी गई है, बराबर बैरिकेडिंग की गई, उसके बाद लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। और गोंडा जिला अधिकारी नेहा शर्मा के द्वारा छठ पर्व को लेकर एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, और जिसमें जो छठ पूजा के त्यौहार पर जो महिलाएं आती है उनको अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो बराबर हेल्पलाइन नंबर जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उस पर जो महिलाएं वो बराबर शिकायत भी दर्ज करा सकती है। जो तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते होंगे कि छठ के पर्व पर जो आस्था का जनसैलाब सरयू तट पे उमड़ा है, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर हर साल देखा जाए तो हर साल के बाद इस बार भी जो महिलाओं की भीड़ है वो यहाँ ज्यादा दिखाई दे रही है। मैम, छठ पूजा को लेकर क्या महत्व होता है? बहुत महत्व है हमारे उत्तर प्रदेश में, बहुत ज्यादा ही। पहले ही बिहार में था, लेकिन अब बहुत उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही ज्यादा है। क्या व्यवस्थाएं, जिस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, कैसी व्यवस्थाएं? बस ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, सब ठीक ठाक ही है। आप भी व्रत रखे हैं? नहीं, हम व्रत नहीं रखे हैं, लेकिन आए हैं दर्शन के लिए। अच्छा। देखिए, जो यहाँ के लोग हैं वो बराबर बातचीत कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो छठ पूजा का पर्व होता है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो महिलाएं होती हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कुछ लोग मेरे साथ और मौजूद, क्या महत्व होता है छठ पूजा को लेकर? छठ पूजा में सुहागिने पति और बच्चों की व्रत रहती हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए व्रत रहती हैं। जो यहाँ सरयू तट पर जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई, क्या लग रहा है पिछले साल के अपेक्षा इस साल व्यवस्था? हाँ, व्यवस्था तो बहुत अच्छी की गई है और सुविधाएं भी अच्छी दिख रही है, हमें कोई दिक्कत तो दिख नहीं रहा। अच्छा, आप भी जो है व्रत हैं? जी नहीं, मैं नहीं व्रत हूँ, हमारे रिलेशन में है। देखिए, जो आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते होंगे, जो इस समय आस्था का सैलाब है वो सरयू तट पर कहीं ना कहीं उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अनादि TV के लिए गोंडा से भूपेंद्र तिवारी।